बताएंगे, टंगडार के बारे में बताएंगे, टंगडार में क्या क्या है, स्पेशल जगह कौन सी अच्छी है? सबसे अच्छा टंगडार है, उसके बाद नीचे जाओ आप बाकी के गांव में। अच्छा, जरला खूबसूरत है, जंगल खूबसूरत है यहाँ के, और लोग बहुत प्यारे हैं, लोग बहुत मीठे हैं। अच्छा, जो कोई बाहर से कोई बंदा देख रहा है तो उनको क्या कह रहे हैं आप? हम आप यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, अच्छा है, सुख शांति है, हम अच्छी तरह रहते हैं। बड़ी अजीब जैसी है। 47 जब हुआ, यहाँ हमारा एक गांव जो ये गांव था, ये तमाम सरदारों का गांव था, इसमें कोई दूसरा आदमी यहाँ नहीं रहते थे, एक दो घर थे, ज़्यादा नहीं थे। जब वहाँ से हमला हम आए तो सबसे पहले हमें हमारे इस गांव में अटैक उन्होंने किया, तो उन्होंने घराव कर दिया इस पूरे गाँव का कबालियों ने। तो 3 दिन हम उनके साथ लड़ते रहे, फिर उन्हें गांव में अंदरार का लोड स्क्रू मार धार से निकल, हमारे जो पुराने बुजुर्ग जो थे वो मार दिए उन्होंने। वहाँ से हम चले गए श्रीनगर की तरफ, आप जो हमने कूच किया, जो बच गए थे थोड़े बहुत, यहाँ के जो लोकल मुसलमान हमारे जो हैं, इन्होंने हमें बचाया भी है, घरों में रख लिया, रोटी पानी भी इन्होंने ये देते रहे। लेकिन बाद में जो थोड़ा सा अमन ऐसा हुआ कि जासू हमारी फौज आ गई वहाँ से, वो लोग भाग गए, कोई मारे गए, पार तो नहीं जा कर सके वो, लेकिन हमारी फौज ने उनको मार दिया। श्रीनगर में हमारा एक कैंप था सरदारों का, छोटा सा कैंप बनाया था, गवर्नमेंट ने बनाया था। यहाँ उस वक्त थी कमांड, जो था कमांडर जो था बिक्रम सिंह था। बिक्रम सिंह ने कहा जी आपको फिर वासी गांव में जाना है। हमने कहा छोड़ दो, अब क्या मारा, हमारे लोग मारे गए, हम छोटे दो दो तीन तीन महीने के बच्चे बचे हैं, अब क्या खाएंगे वहाँ, कैसे रहेंगे? अगर नहीं आप जाइए, 104 ब्रिगेड हमारा जो है ये आपको हमेशा मदद करता रहेगा। Thank you.